हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना लेक्चर का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। एंड दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इसका हम आज देखेंगे पहला लेक्चर। एंड दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JEE मेन एग्जाम। हर एग्जाम में एक क्वेश्चन इसका आता ही है। अगर आपका स्टेट बोर्ड का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं तो CET स्टेट लेवल के, आपकी CET के एग्जाम हो या JEE एग्जाम हो, इसके लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की ये लेक्चर की सीरीज आज से चालू करेंगे। आज हम कंडक्ट करेंगे लेक्चर नंबर 1। तो इस लेक्चर में हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जो फॉर्मूलेज है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जनरल सॉल्यूशन किस किस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्या क्या होते हैं वो डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें क्या पॉइंट्स रिमेम्बर करने चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर नंबर 1 ऑफ द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक फॉर्मूले सभी याद होने चाहिए, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, उनके रिलेशंस, आइडेंटिटीज हो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का डोमेन रेंज, उनका पीरियड, ग्राफ ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स टैन एक्स, उनके ग्राफ्स, ये साइन ऑफ ए प्लस बी ए माइनस बी, ये कंपाउंड एंगल फॉर्मूले, टेन ए प्लस बी टेन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, अलाइड एंगल वाले फॉर्मूले, पाई बाय टू माइनस थीटा, पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, तो ये सभी फॉर्मूलेज। उसके बाद में डबल एंगल साइन टू थीटा कॉस टू थीटा टेन टू थीटा, ट्रिपल एंगल साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले जे साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी एंड डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले। ये सभी ट्रिग्नोमेट्री जो है अपने 11th स्टैंडर्ड की, उस ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूले अगर आपको आते हैं तो आप इजीली ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर सकेंगे। तो इस टॉपिक के लिए बेसिक लगेगा आपको 11th स्टैंडर्ड की ट्रिग्नोमेट्री। जो मैंने पॉइंट सभी डिस्कस किए हैं, सारे फॉर्मूलेज आप एक जगह पे लिख लीजिए, उसको याद कीजिए, रिमेम्बर कीजिए, देन यू विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस ऑफ द टॉपिक JEE। और इस लेक्चर में अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के फॉर्मूले रिवाइज करते हैं या समझ लेते हैं तो इसके बाद में जो लेक्चर होंगे उसमें हम सभी क्वालिटी MCQs सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप भी किसी भी टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकेंगे जिसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, जनरल सॉल्यूशन हो, आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। हाय स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस फॉर JEE। एंड इन दिस टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो पहले हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या होता है। व्हाट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, TE यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें एक दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक विद द अननोन वेरिएबल्स थीटा हो या एक्स हो, सच टाइप ऑफ इक्वेशंस आर कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास इक्वेशन है साइन एक्स इक्वल टू √3/2, सो दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जिसमें अननोन मुझे एक्स है, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द इक्वेशन साइन एक्स
प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टू, सो दिस इज ऑल्सो अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो इस टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होते हैं जिसमें एक से एक या एक से ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिखाई देते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, विद द अननोन वेरिएबल थीटा हो या एक्स हो। इस टाइप के इक्वेशन को हमको सॉल्व करने का है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ थीटा और एक्स, जो कुछ अननोन एंगल है, फॉर दैट वैल्यू इफ द गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, देन वी से दैट द ट्रिग्नो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, आई हैव रिटन द इक्वेशन साइन एक्स इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, तो यहाँ से मुझे पता चलता है एक्स कितना होगा, साइन 60, सो एक्स इक्वल टू पाई बाई थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, उस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में जो कुछ वेरिएबल होते हैं, एक्स हो या थीटा हो, उस वेरिएबल से दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन अगर सेटिस्फाई होता है, सो दैट वैल्यू ऑफ एक्स इज कॉल्ड द सोल्यूशन और रूट ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द मेन और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, दैट इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है? विच सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन? द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई, अगर दिया हुआ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी जो एक्स है या थीटा है, उसकी वैल्यू अगर 0 टू 2 पाई में होती है, सो दैट सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो हम दो तरह के सॉल्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में पढ़ने जा रहे हैं, एक है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन हम बाद में देखेंगे, पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एंड दैट लाइज इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई, 0 टू 360 में वो सॉल्यूशन होता है, दैट सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, वी विल राइट द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इस साइड में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन लिखता हूँ एंड इस साइड में उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखता हूं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ सम स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ओके, सो हियर इफ आई हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, आई हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/2, साइन ऑफ थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड साइन ऑफ थीटा इक्वल टू √3/2। आई हैव दिस थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने के हैं, यानी मुझे लिखने का है वैल्यूज ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग दिस थ्री इक्वेशंस। तो ये उनके प्रिंसिपल सॉल्यूशन हो गए। अब अगर मुझे साइन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन अगर लिखने का है, तो मुझे मालूम है, फर्स्ट हमें ये मालूम होना चाहिए कि किस क्वाड्रेंट में कौन सा रेशो पॉजिटिव होता है, कौन सा रेशो निगेटिव होता है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको याद है या आती होंगी तो आपको मालूम है, पहला क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आर पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कोसेक पॉजिटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस सेक पॉजिटिव होता है। अब ये तीनों साइन पॉजिटिव है, तो साइन किस किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? तो साइन इज पॉजिटिव इन दिस फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। तो 0 टू 2 पाई में मुझे इनके सॉल्यूशन लिखने के हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का और सेकंड क्वाड्रेंट का। तो एक ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन ढूंढना है
सेकंड क्वाड्रेंट का अगर सॉल्यूशन ढूंढना है तो आपको फॉर्मूला यूज करने का है पाई माइनस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन अगर आपको चाहिए तो आप यूज कीजिए पाई प्लस थीटा। अगर आपको फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप यूज कीजिए 2 पाई माइनस थीटा। सो फॉर सेकेंड क्वाड्रेंट पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा एंड फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन हम लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 1/2। सबको पता है साइन 31/2 होता है, तो उसका पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा पाई बाय 6। अब सेकंड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन लिखने का है तो मुझे यूज करने का है पाई माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 6, तो इसका दूसरा सॉल्यूशन होगा 5 पाई बाय 6। साइन थीटा इक्वल टू 1/2, यहाँ से थीटा मिलेगा पाई बाय 4। बाद में सेकंड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 4, तो पाई माइनस पाई बाय 4 होता है 3 पाई बाय 4। साइन थीटा इक्वल टू √3/2, तो पहले क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा साइन 60 √3/2 यानी पाई बाय 3। दूसरे क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मिलेगा पाई माइनस पाई बाय 3, सो पाई माइनस पाई बाय 3 इज 2 पाई बाय 3। तो ये मुझे साइन के तीन सॉल्यूशन मिल गए। अब अगर मुझे कॉस की वैल्यूज दिए हैं, फॉर एग्जाम्पल आई हैव द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू √3/2, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2 एंड कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। तो मुझे इन तीन इक्वेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखने की। अब कॉस तीनों पॉजिटिव हैं, तो कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होगा? कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट का फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन हम लिख लेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन हमें पता है, तो कॉस 30 √3/2 होता है यानी ये पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, कॉस 60 1/2। अब मुझे फोर्थ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा। अब मुझे कॉस पॉजिटिव है तो उसका एक सॉल्यूशन चाहिए विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके सॉल्यूशन मिलेंगे देखो 2 पाई, यहाँ का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 12 11 पाई बाय 6। अब कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाय 4 का फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाय 4, तो ये हो जाएगा 7 पाई बाय 4। अब कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 का फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस पाई बाय 3, तो ये होगा 5 पाई बाय 3। ओके, तो ये कॉस के तीन सॉल्यूशन मिल गए। अब टैन के देखते हैं। फॉर टैन, अगर मेरे पास ये ऐसे तीन इक्वेशन हैं, टैन थीटा इक्वल टू 1/√3, टैन थीटा इक्वल टू 1 और टैन थीटा इक्वल टू √3। तो अब टैन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, किस क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है? तो टेन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन क्या है वो लिख लेंगे। फर्स्ट वी विल राइट द सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ द टेन थीटा इक्वल टू 1/√3, 1 एंड √3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन बोलिए, टेन 31 √3 पाई बाय 6, टेन पाई बाय 4 1, टेन 60 √3। अब मुझे थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन लिखने के हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए मुझे क्या यूज करने का है बच्चों? पाई प्लस थीटा। सेकंड क्वाड्रेंट के क्या यूज करने का है? पाई माइनस थीटा। थर्ड के लिए पाई प्लस थीटा, फोर्थ के लिए 2 पाई माइनस थीटा। तो अब मुझे थर्ड का पाई प्लस थीटा यूज करने का है, तो यहाँ पे पाई प्लस पाई बाय 6 होगा, ये हो जाएगा 7 पाई बाय 6। अब होगा पाई प्लस पाई बाय 4, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 4। अब यहाँ पे होगा पाई प्लस पाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 4 पाई बाय 3। ओके,
सिक्स पाई प्लस पाई सेवन पाई बाई सिक्स, फोर पाई प्लस पाई फाइव पाई बाई सिक्स, थ्री पाई प्लस पाई फोर पाई बाई थ्री, फोर पाई प्लस पाई फोर पाई बाई थ्री। ओके, तो ये हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ साइन कॉस टेन। तो ये सभी वैल्यूज मैंने पॉजिटिव लिखी थी। अगर मुझे नेगेटिव वैल्यूज के लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हैं, फॉर एग्जांपल आई हैव साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू एंड साइन थीटा इक्वल टू माइनस। अब मुझे ऐसा क्वाड्रेंट चाहिए जिसमें साइन नेगेटिव हो। तो साइन कहाँ पे नेगेटिव होता है? साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन नेगेटिव होगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां से मुझे सॉल्यूशन मिलेगा, एक मिलेगा पाई माइनस थीटा का, दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा टू पाई माइनस थीटा का। तो पहले मैं थर्ड क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन लिख लेते हैं इसके। इसका थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन देखिए, वन बाय टू यानी सिक्सटी यूज कर, थर्टी यूज करने का है, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स। इसका पहला सॉल्यूशन मिलेगा मुझे फाइव पाई बाय सिक्स, ये ट्वेल्व बाय इलेवन पाई बाय सिक्स। सॉरी, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस पाई बाय सिक्स, सॉरी पाई प्लस पाई बाय सिक्स, तो ये हो जाएगा सेवन पाई बाय सिक्स, सेवन पाई बाय सिक्स। और ये टू पाई माइनस सिक्स, इलेवन पाई बाय सिक्स। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, तो यहाँ पे यहाँ से मुझे मिलेगा पाई प्लस पाई बाय फोर, यहाँ से मिलेगा पाई प्लस पाई बाय फोर और टू पाई माइनस पाई बाय फोर। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा फोर पाई प्लस पाई, फाइव पाई बाय फोर, और ये होगा सेवन पाई बाय फोर। ओके, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू। तो यहाँ से थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन मुझे चाहिए। तो थर्ड क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा पाई प्लस पाई बाय थ्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन होगा टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो ये होगा थ्री पाई प्लस पाई, फोर पाई बाय थ्री, और ये होगा सिक्स पाई माइनस पाई, फाइव पाई बाय थ्री। ओके, तो ये साइन के तीन नेगेटिव्स के सॉल्यूशन हो गए। कॉस के तीन नेगेटिव्स वैल्यू देखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री बाय टू, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट टू, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय टू। सो सी द प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ दिस थ्री इक्वेशंस। थीटा इक्वल्स टू, अब देखिए कॉस कहाँ पे नेगेटिव होता है। सो कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो कॉस यहाँ पे नेगेटिव होगा। कॉस नेगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो मुझे यूज करने का है पाई माइनस थीटा, एंड थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा। तो यूज करेंगे पाई माइनस, इसका फर्स्ट पाई माइनस थीटा यूज करने का है थर्टी, तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू, ये हो गया फाइव पाई बाय सिक्स। अब फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट पाई प्लस पाई बाय सिक्स, ये बन जाएगा सेवन पाई बाय सिक्स। अब यहाँ से होगा वन बाय रूट टू, तो ये होगा पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ से बनेगा वो थ्री पाई बाय फोर, और ये पाई प्लस पाई बाय फोर, तो ये बनेगा फाइव पाई बाय फोर। कॉस थीटा इक्वल टू वन बाय माइनस वन बाय टू, तो कॉस सिक्सटी होता है, तो सिक्सटी के लिए पाई माइनस पाई बाय थ्री, पाई माइनस पाई बाय थ्री
एंड पाई प्लस पाई बाई थ्री, ये होगा टू पाई बाई थ्री और ये होगा फोर पाई बाई थ्री। तो स्टूडेंट आपको अगर ये आपकी स्टार्टिंग है तो आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी ये वैल्यूज भी आपकी लर्न हो जाएगी। कॉस ऑफ टू पाई बाई थ्री इज माइनस वन बाई टू, कॉस ऑफ थ्री पाई बाई फोर इज माइनस वन बाई रूट टू, ऑल दिस डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस। अब टैन का देखते हैं, टैन की निगेटिव वैल्यूज, टैन थीटा इक्वल टू माइनस वन बाय रूट थ्री, टैन थीटा इक्वल टू माइनस वन, टैन थीटा इक्वल टू माइनस रूट थ्री। निगेटिव टैन कहाँ कहाँ पर होता है, वेयर द टैन इज निगेटिव, टैन इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो निगेटिव होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, फोर्थ के लिए टू पाई माइनस थीटा। ओके, तो यूज करते हैं पाई माइनस, यहाँ पे थीटा यूज करने पड़ेगा, थर्टी पाई बाय सिक्स और टू पाई माइनस पाई बाय सिक्स, तो सिक्स पाई हो जाएगा फाइव पाई बाय सिक्स। थीटा इज इक्वल टू फाइव पाई बाई सिक्स और फोर्थ क्वाड्रेंट का ट्वेल्व माइनस वन इलेवन पाई बाई सिक्स। टेन थीटा इक्वल टू माइनस वन, तो ये बनेगा पाई माइनस पाई बाय फोर, पाई माइनस पाई बाय फोर और टू पाई माइनस पाई बाय फोर, तो यहाँ से थीटा होगा थ्री पाई बाय फोर और ए एट माइनस वन सेवन पाई बाय फोर। अब माइनस रूट थ्री यानी सिक्सटी डिग्री यूज करना पड़ेगा, सिक्सटी डिग्री यानी पाई बाय थ्री यूज करना पड़ेगा, पाई माइनस पाई बाय थ्री एंड टू पाई माइनस पाई बाय थ्री, तो यहाँ से थीटा बनेगा टू पाई बाय थ्री और ये फाइव पाई बाय थ्री। तो ये टेन के सॉल्यूशन है निगेटिव के लिए। तो इन सभी पॉजिटिव हो या नेगेटिव वैल्यू हो उसके लिए मैंने आपको ये पॉइंट याद रखने को बोला है, अगर आपको सॉल्यूशन सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड आउट करने का है तो पाई माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज कीजिए, सेकंड के लिए पाई माइनस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए टू पाई माइनस थीटा। ओके, तो ये साइन के कॉस टेन पॉजिटिव वैल्यूज और फिर से साइन कॉस टेन निगेटिव वैल्यूज। ओके, तो ये है प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इन सभी के लिए जीरो टू टू पाई की जो रेंज है, जीरो टू टू पाई की जो इंटरवल है, इन सभी में यानी एक राउंड में हमें दो सॉल्यूशन मिल रहे हैं, इन सभी के दो दो सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। देयर आर टू सॉल्यूशंस इन द इंटरवल 0 टू 2 पाई फॉर ऑल दिस गिवन इक्वेशंस, सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर टू। तो ये हो गए जनरल सॉल्यूशन। किसी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को 0 टू 2 पाई में वन सॉल्यूशन भी होता है, जैसे कि साइन थीटा इक्वल टू 1 है, साइन थीटा इक्वल टू 1 है तो 0 टू 2 पाई में मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, क्या मिलेगा वो पाई बाय टू। साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन है तो एक ही सॉल्यूशन मिलेगा, दैट विल बी थ्री पाई बाय टू। कॉस कॉस का देखिए, कॉस थीटा इक्वल टू वन है तो थीटा इक्वल टू जीरो मिलेगा, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन है तो थीटा इक्वल टू पाई मिलेगा, कॉस ऑफ पाई माइनस वन, कॉस ऑफ जीरो वन। तो ये हो गए प्रिंसिपल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशंस इन द इंटरवल जीरो टू टू पाई। सो द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज इन द इंटरवल जीरो टू टू पाई इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ओके, तो ये हमने डिस्कस किया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट्स वी विल मूव to the next point, that is the general solution of the trigonometric equation.
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस टॉपिक. जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? द इक्वेशन और द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय इट्स पीरियोडिसिटी. सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय इट्स पीरियोडिसिटी is called general solution of the given trigonometric equation. ऐसे solution trigonometric equation के which are generalized या तैयार किए गए हो by the periodicity of the trigonometric equation. Periodicity यानी कि आपको सभी trigonometric functions के period याद होने चाहिए, जैसे कि sin और cos इनका पीरियड होता है 2π, tan और cot इनका पीरियड होता है π, cosec और sec इनका पीरियड होता है 2π. तो पीरियडिसिटी से तैयार किए गए सॉल्यूशंस को हम जनरल सॉल्यूशंस कहते हैं, एंड दीज जनरल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. जनरल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. कितने भी सॉल्यूशंस हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के लिख सकते हैं. एंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन, जो हमने पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन देखे थे, ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइनाइट होते हैं. जैसे कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसके 0 to 2π में दो सॉल्यूशन मिलते हैं. अभी देखा हमने 0 to 2π में दो सॉल्यूशन मिले हैं. तो अगर इंटरवल मुझे 0 to 4π की दिए, मुझे 4 सॉल्यूशन मिलेंगे 0 to 4π में. यानी एक राउंड में 2, दो राउंड में 4, तीन राउंड में 6 सॉल्यूशन मिलेंगे. सो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर फाइनाइट. प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर फाइनाइट बट जनरल सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट. सो अब देखते हैं हम जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड, उनके हम जनरल सॉल्यूशंस देखेंगे. तो फिर से इस साइड में मैं लिखता हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, और इस साइड में लिखता हूँ उनके जनरल सॉल्यूशंस. ओके, सो सी स्टूडेंट्स, तो मेरे पास इक्वेशन है, तीन इक्वेशन है. पहले साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड टेन थीटा इक्वल टू 0. ये मेरा पहला ग्रुप है. आप ये सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड देयर जनरल सॉल्यूशन. अब अगर हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन को ध्यान में लेते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू 0, तो साइन 0 0 होता है, साइन पाई 0 होता है, साइन 2π 0 होता है. देखिए साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2π भी 0 होता है, साइन 3π भी 0 होता है, यानी साइन ऑफ nπ 0 होता है. n इज एनी इंटीजर, n बिलोंग्स टू z, किसी भी इंटीजर, किसी भी मल्टीपल ऑफ पाई के लिए साइन 0 होता है. इसलिए उसको जनरलाइज करके हमने जनरल सॉल्यूशन लिखा है थीटा इक्वल टू nπ. n belongs to z, z यानी integer. So general solution of the trigonometric equation sin theta equal to 0 is theta equal to nπ. अब cos कहाँ पे 0 होता है देखेंगे. अगर हमने cos का study किया तो cos of pi by 2 0 होता है, cos of 3pi by 2 भी 0 होता है, cos of 5pi by 2 भी 0 होता है. cos, अगर आपको टेबल याद है या फिर ये टेक्निक आपको याद है कि cos
ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री 11th का इसमें बोला था, कॉस कॉस का कैसा याद में रखने का है, 0 0 1 -1, तो कॉस इज 0 एट π/2 π/2 3π/2 फिर से ऊपर 5π/2 फिर से नीचे 7π/2। तो ये सभी और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू के लिए, देखिए यहाँ पे पाई बाय टू का मल्टीपल 1 है, यहाँ पे पाई बाय टू का मल्टीपल 3 है, यहाँ पे पाई बाय टू का मल्टीपल 5 है। सो और मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय टू के लिए कॉस 0 होता है। तो जनरलाइज करके मैं कॉस थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन लिखता हूँ, थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2। ओके, अब टेन थीटा इक्वल टू 0, तो टेन कब 0 होगा, यानी और टेन कहाँ पे 0 होता है, वेयर द टेन इज 0। तो इसके लिए हम टेक्निक ऐसा यूज करते हैं, टेन थीटा इक्वल टू 0 यानी साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो टेन कब 0 होगा, जब साइन 0 होगा, टेन इज 0 ही 0 इफ साइन इज 0। सो देयर फॉर जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 0 एंड साइन थीटा इक्वल टू 0 इज सेम। सो जनरल सोल्यूशन ऑफ टेन थीटा इक्वल टू 0 इज ऑल्सो एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, यानी कोई भी इंटीजर। सो दीज आर थ्री जनरल सॉल्यूशंस, साइन थीटा इक्वल टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 0 एंड टेन थीटा इक्वल टू 0। अब हमें देखने का है सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अगर मेरा इक्वेशन इस फॉर्म में है, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, ये तीन इक्वेशन सेम टाइप के, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा एंड टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा। अब देखिए, अगर मेरे पास इक्वेशन है साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू 0। तो इसको मैं फॉर्मुलाइज करूंगा डी फैक्टराइजेशन का, 2 cos θ + α/2 इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा बाय टू इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से मुझे ये 2 तो कांस्टेंट है, या तो कॉस ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय टू 0 मिलेगा, या फिर साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय टू 0 मिलेगा। ओके, तो ये हो गया कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू 0। इसका मैंने अभी जनरल सॉल्यूशन बोला, कॉस थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, 2n+1 π/2, ये एंगल थीटा है। तो यहाँ से मुझे थीटा प्लस अल्फा बाय टू इक्वल टू मिलेगा 2n+1 π/2, और साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन अभी हमने लिखा है, थीटा इक्वल टू एन पाई, सो थीटा माइनस अल्फा बाय टू इक्वल टू एन पाई हो जाएगा। तो यहाँ से ये 2 2 कैंसल होके यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा 2n+1 π - α, और यहाँ से थीटा मिलेगा एन पाई प्लस अल्फा। सो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के लिए दो सॉल्यूशन मिले हैं, एक सॉल्यूशन देखिए 2n+1 π - α, इसका मतलब ऑड पाई माइनस अल्फा, और ये देखिए एन पाई प्लस अल्फा, तो ये हो गया, सॉरी ये बन गया 2n π + α, ये बन गया इवन पाई प्लस अल्फा। तो इसको हम जनरलाइज करते हैं, दोनों सॉल्यूशन एक ही जगह पे अगर लिखने के हैं तो ऑड पाई इवन पाई, तो इसको मैं लिखता हूं एन पाई प्लस माइनस 1n इंटू अल्फा, एन पाई प्लस माइनस 1n इंटू, देखिए ऑड पाई रहा तो माइनस अल्फा है, इवन पाई रहा तो प्लस अल्फा है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मेरे पास जनरल सॉल्यूशन मैंने ऐसा लिखा है एन पाई प्लस माइनस 1n इंटू, तो अगर मैं एन की वैल्यू 2 लेता हूँ यानी इवन लेता हूँ, तो मुझे थीटा क्या मिलेगा, 2 पाई
एन इक्वल टू टू माइनस वन का स्क्वायर वन, तो ये बनेगा टू पाई प्लस अल्फा, यानी ई वन पाई प्लस अल्फा। ये देखिए ई वन पाई प्लस अल्फा। अगर एन इक्वल टू मैं थ्री लेता हूँ तो थीटा क्या मिलेगा, थ्री पाए माइनस वन का क्यूब माइनस वन, तो माइनस अल्फा। ये देखिए ऑड पाए माइनस अल्फा, ऑड पाए माइनस अल्फा। तो जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, यानी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इज थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ओके, सो दिस वाज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा। अब हम देखते हैं जनरल सॉल्यूशन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा। देखिए कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का है, तो मैं इसको लिखता हूँ कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा इक्वल टू जीरो, कॉस सी माइनस कॉस डी माइनस टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू इक्वल टू जीरो। ओके, तो ये प्रोडक्ट जीरो है, तो माइनस टू इज कॉन्स्टेंट, या तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय टू जीरो होगा, या साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय टू जीरो होगा। तो ये साइन ऑफ थीटा इक्वल टू जीरो के फॉर्म में इक्वेशन है, तो यहाँ से एक तो थीटा प्लस अल्फा बाय टू जीरो होगा या थीटा माइनस अल्फा बाय टू जीरो होगा, तो सॉरी ये होगा एन पाई, सॉरी ये होगा एन पाई साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इक्वल टू एन पाई, तो ये बनेगा एन पाई, यहाँ पे भी बनेगा एन पाई, तो यहाँ से मेरा थीटा बनेगा टू एन पाई माइनस अल्फा, और यहाँ से थीटा बनेगा टू एन पाई प्लस अल्फा। अब दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, दोनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन मिलेगा टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इज थीटा इक्वल टू एन पाई, सॉरी टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। अब देखते हैं टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा, सो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा, विच इम्प्लाइज साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये होगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, सो दिस बिकम साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो ये साइन थीटा इक्वल टू जीरो का जनरल सॉल्यूशन होता है, थीटा यानी थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू एन पाए, और यहाँ से मुझे थीटा मिलेगा एन पाए प्लस अल्फा। सो द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इज थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस अल्फा। सो इसमें इसको टेबल में लिख देते हैं, जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा इज थीटा इक्वल टू एन पाए प्लस अल्फा। तो अब तक ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन हमने लिखे, साइन थीटा इक्वल टू जीरो का एन पाए, कॉस थीटा इक्वल टू जीरो का टू एन प्लस वन पाए बाय टू, टेन थीटा इक्वल टू जीरो का एन पाए, साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा एन पाए प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा इज टू एन पाए प्लस माइनस अल्फा, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा का है एन पाए प्लस अल्फा। अब एक और तीन फॉर्मूलेज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और उनका जनरल सॉल्यूशन। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के एक ही जनरल सॉल्यूशन है। अगर मेरे पास इक्वेशन है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा
कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वेयर अल्फा एंड टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वेयर अल्फा। तो साइन स्क्वेयर थीटा माइनस, अब देखिए इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, इन सबका जनरल सॉल्यूशन सेम ही है, तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ही जनरल सॉल्यूशन है। तो अब देखिए ये पहले वाला प्रूफ करके देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू जीरो। तो मेरे पास फॉर्मूला है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्या होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी भी होता है, और कॉस स्क्वेयर बी माइनस कॉस स्क्वेयर ए भी होता है। तो मैं साइन स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर बी को साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से यहाँ पे भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन प्रोडक्ट में आ गया है लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो या साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे से मिलेगा थीटा प्लस अल्फा एन पाए, यहाँ पे मिलेगा थीटा माइनस अल्फा एन पाए, यहाँ से मिलेगा एन पाए माइनस अल्फा, यहाँ से मिलेगा एन पाए प्लस अल्फा बाय कंबाइनिंग बोथ आई कैन राइट थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा। उसी तरह से वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा को मैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा लिखता हूँ। तो इसी तरह से तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक ही जनरल सॉल्यूशन होता है एन पाई प्लस माइनस अल्फा, n belongs to z। So, ये सारे फॉर्मूले आप याद कीजिए, लर्न कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए। तो ये तीन का ग्रुप और ये पहले छह नौ फॉर्मूले हो गए। अब देखें कुछ स्पेशल सम स्पेशल ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, उनके जनरल सॉल्यूशन ये भी आपको याद होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए साइन थीटा वन साइन थीटा माइनस वन, तो साइन थीटा वन कहाँ पे होता है, अब साइन का देखिए, और साइन जीरो जीरो वन माइनस वन, तो साइन वन कहाँ पे होता है, पाई बाय टू पे, फाइव पाई बाय टू पे, नाइन पाई बाय टू पे। तो साइन ऑफ पाई बाय टू वन, साइन ऑफ फाइव पाई बाय टू वन, साइन ऑफ नाइन पाई बाय टू वन। तो यहाँ पे जो पाई बाय टू के मल्टीपल्स हैं, यानी कोएफिशिएंट से पाई बाय टू के वन है, फाइव है, नाइन है, तो इस तरह के कोएफिशिएंट्स आने के लिए मुझे थीटा को लिखना पड़ेगा फोर एन प्लस वन पाई बाय। देखिए एन इक्वल टू जीरो सब्सटीट्यूट कीजिए पाई बाय टू मिलेगा, वन सब्सटीट्यूट कीजिए फाइव पाई बाय टू मिलेगा, टू सब्सटीट्यूट कीजिए नाइन पाई बाय टू मिलेगा। अब साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, माइनस वन कहाँ पे होता है, साइन थ्री पाई बाय टू पे, सेवन पाई बाय टू पे, इलेवन पाई बाय टू पे। तो ये कोएफिशिएंट्स आने के लिए थ्री सेवन इलेवन मुझे थीटा लिखना पड़ेगा फोर एन माइनस वन पाई। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने थीटा इक्वल सॉरी एन इक्वल टू जीरो लिख दिया, एन इक्वल टू मैंने जीरो लिया है, तो मुझे एंगल थीटा मिलेगा माइनस पाई बाय टू, तो साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू माइनस वन होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एन इक्वल टू वन लिया, तो मुझे थीटा कितना मिलेगा, थ्री पाई बाय टू, तो साइन ऑफ थ्री पाई बाय टू इज ऑल्सो माइनस वन। एन इक्वल टू टू लिए तो थीटा मिलेगा सेवन पाई बाय टू, साइन ऑफ सेवन पाई बाय टू इज ऑल्सो माइनस वन। तो साइन ऑफ थीटा इक्वल टू माइनस वन का जो जनरल सॉल्यूशन है दैट इज फोर एन माइनस वन पाई बाय टू।
एंड साइन ऑफ थीटा इक्वल टू वन का जनरल सॉल्यूशन है 4n+1 पाई बाई टू। ओके, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू वन, कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू -1। कॉस का देखिए कैसा होता है, कॉस कहाँ पे वन होता है, कॉस की वैल्यूज देखिए, 0, 0, 1, -1। कॉस कहाँ पे वन होता है, कॉस 0 पे वन होता है 2π 4π 2π 4π, 0 2π 4π 6π। तो इन सभी वैल्यूज के लिए कॉस कितना होता है 1, तो इसको मैं लिखता हूँ 2n π। इसको लिखता हूँ मैं 2n π, n इक्वल टू 0 तो 0 मिलेगा, 2 लिया 1 लिया तो 2π मिलेगा, 2 लिया तो 4π मिलेगा, 3 लिया तो 6π मिलेगा। और -1 कहाँ पे होता है, कॉस कहाँ पे -1 होता है, तो कॉस इज -1 एट पाई 3π 5π 7π, और पाई के लिए होता है, और पाई मैं रिप्रेजेंट करता हूँ 2n+1 से। तो ये चार cos थीटा इज -1, इसका जनरल सॉल्यूशन है 2n+1π। तो हियर n बिलोंग्स टू z इन इंटीजर। सो दीज फोर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दीज फोर आर ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये पार्ट है जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूलेज का। तो इस लेक्चर को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से पढ़िए, जनरल सॉल्यूशन के सभी फॉर्मूलेज। ये कितने फॉर्मूले हैं, 6+ ये 9, ये 9 फॉर्मूलेज हैं, और स्पेशली ये 4। तो ये सभी फॉर्मूलेज आप प्लीज अच्छी तरह से नोट कीजिए, समझ लीजिए। तो आज हमने देखा जनरल सॉल्यूशन एंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, आज का पार्ट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो आज हमने जनरल सॉल्यूशन और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सॉल्व करते समय आपको क्या क्या पॉइंट्स याद रखने के हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने के हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड वी विल सॉल्व द क्वालिटी प्रॉब्लम्स फॉर JEE ऑफ द टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो स्टूडेंट्स, वी विल स्टॉप हियर। ओके, गुड डे, गुड बाय।